हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑटो बॉक्सिंग या फिर जो ऑटो अनबॉक्सिंग है वो कैसे हमारी मदद कर सकता है एरर से बचने के लिए। मतलब कि उन सिचुएशंस में कैसे हमारी मदद कर सकता है जिनमें एरर होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो आइए एक सैम्पल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं जहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि एरर कैसे आ सकता है, किन सिचुएशंस में आ सकता है। हाँ, तो सबसे पहले एक क्लास लेते हैं। क्लास का नाम कुछ स्टेप्स लेते हैं, अनबॉक्सिंग एरर। अनबॉक्सिंग एरर ये हमने लिया क्लास का नाम। ठीक है, अब मेन मेथड ले लें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑक्स। ये हमने क्या किया, मेन मेथड ले लिया। अब सिंपली क्या करते हैं कि एक ऑटो बॉक्सिंग का उदाहरण लेते हैं। इंटीजर लिया हमने, इंटीजर टाइप का एक हमें लेना होगा रेफरेंस वेरिएबल, IOB ले लिया इज इक्वल टू 1000। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1000 वैल्यू, शायद ये मैंने गलत लिखा, INTEGER ये होगा हमारा इंटीजर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो 1000 वैल्यू जो कि प्रिमिटिव टाइप से बिलोंग करता है उसको हमने क्या किया, उसको हमने ऑटो बॉक्स कर दिया IOB में। IOB क्या है, IOB हमारा रैपर टाइप का जो क्लास है इंटीजर उसका एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो इस तरह से हमने एक प्रिमिटिव वैल्यू को ऑब्जेक्ट में असाइन करने की कोशिश की है। रेफरेंस वेरिएबल है तो मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में असाइन करने की कोशिश की है, प्रिमिटिव वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश नहीं की है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि यह हमारा क्या है, ऑटो बॉक्सिंग है, ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि ऑटो अनबॉक्सिंग जो मैनुअली, मतलब ऑटो अनबॉक्सिंग तो हम लोग अब करना चाह रहे हैं, बट पहले हम लोग सीधे अनबॉक्सिंग करते थे जो कि मैनुअली किया जाता था। मैनुअली करने पे क्या होता था, हमारा एक मेथड होता था, इंट वैल्यू, बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, उसका हम लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक रेफरेंस वेरिएबल की जगह पर हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिए प्रिमिटिव टाइप का इंट आई, और इसमें हम लोग ऐसे अगर असाइन कर दें IOB.byteValue, बाइट वैल्यू ऐसे अगर हम लोग मान लिया जाए कॉल कर देते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि यहाँ पर क्या होगा, चूंकि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमने रेफरेंस वेरिएबल लिया है इंट टाइप का। इंट क्या है, इंट है हमारा प्रिमिटिव टाइप, इंटीजर है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब कि रैपर क्लासेस जो है हमारे जावा में उनमें से एक है हमारा इंटीजर। तो यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप में चेंज ऑटोमेटिकली हमने करने की कोशिश नहीं की है, हमने क्या किया है एक मेथड कॉल किया है बाइट वैल्यू। अब सवाल ये है कि इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है ये, तो क्या इस पे ये बाइट वैल्यू वर्क करेगा, क्या हमारा एरर तो नहीं आ जाएगा? तो कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आएगा, कंपाइलेशन में एरर नहीं होगा, बट आपका प्रोग्राम जैसे वर्क करना चाहिए उस तरह से वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कुछ ट्रंकेशन मतलब एक प्रोसेस है जिसमें कि आपका वैल्यू क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइप इन टाइप का वैल्यू बाइट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ लॉस होगा आपको, वो लॉस होगा उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और हम अगला स्टेटमेंट लिखते हैं, हम क्या करते हैं इस आई के वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LNI। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि 1000 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था, बट ये 1000 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि बाय मिस्टेक हमने क्या किया, IOB.intValue मेथड कॉल करने की जगह पर हमने बाइट वैल्यू मेथड को कॉल कर दिया। तो एग्जैक्ट हमारा जो आउटपुट आना चाहिए 1000 का, वह आउटपुट हमारा नहीं आ पाएगा, बल्कि आउटपुट हमारा क्या आएगा, आउटपुट हमारा आएगा -24। क्यों आएगा, तो इसका रीज़न ये है कि IOB के इनसाइड जो वैल्यू है 1000 वो
ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मैनुअली हो रहा है, मैनुअली अनबॉक्स्ड हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? बाय कॉलिंग बाइट वैल्यू मेथड, मतलब बाइट वैल्यू मेथड को कॉल करने पे हो रहा है। इंट वैल्यू मेथड के कॉल करने पे होता तो वो बिल्कुल करेक्ट होता, बट बाइट वैल्यू मेथड के कॉल करने पे हो रहा है तो वो करेक्ट नहीं होगा। ये हमारा मतलब कि सही तरीके से नहीं होगा जैसे कि रिक्वायर्ड है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, चूंकि बाइट वैल्यू कॉल किया गया है इंटीजर ऑब्जेक्ट पे, इस कारण हमारा ट्रंकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मैं लिख देता हूं ट्रंकेशन। ट्रंकेशन में क्या होगा, आपका 1000 जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, वो आपका ट्रंक हो जाएगा। ट्रंक करने का मतलब है कि बाइट के हिसाब से आपका वो वैल्यू बाइट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। मतलब कि अगर बाइट का वैल्यू मान लिया जाए कि 124 से -125 ऐसा ही कुछ होता है, तो अगर 124 से वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो वो वापस नेगेटिव में जाकर, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। आप नेट पे सर्च, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कैसे वो ट्रंकेशन होता है। तो 1000 वैल्यू ट्रंकेशन होकर -24 आएगा और वही यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले वो -24 वैल्यू आई में असाइन हो जाएगा, और आई में हम वैल्यू चूंकि आई की प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो -24 वैल्यू हमारा प्रिंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ऑटो अनबॉक्सिंग का यूज़ नहीं किया, हमने मेथड्स को मैन्युअली कॉल करने की कोशिश की है। तो बेहतर होता कि हम लोग क्या करते, बेहतर होता कि हम लोग जो है वो इसे ऑटो अनबॉक्सिंग होने देते। अगर ऑटो अनबॉक्सिंग परफॉर्म होता तो ये जो समस्या आ रही है ये समस्या हमारे साथ नहीं आती, और क्या होता, और हमें डायरेक्टली बिल्कुल सही सही 1000 वैल्यू मिलता। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑटो अनबॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग जो है वो एरर होने की जो संभावना है उसको काफ़ी हद तक कम करता है, क्योंकि ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग होने के कारण, ऑटो अनबॉक्सिंग यहाँ पर होता तो इस तरह से बाइट वैल्यू जो यहाँ पर कॉल हुआ है वो कॉल नहीं होता, और ऑटोमेटिकली इंट वैल्यू मेथड हमारा कॉल होता, और इस तरह से एरर होने की संभावना बहुत ही बिल्कुल समाप्त हो जाती। ठीक है, तो जनरली अगर बोला जाए तो ऑटो बॉक्सिंग जो है वो सदा मतलब यहाँ पर ऑटो बॉक्सिंग यहाँ पर है, ऑटो बॉक्सिंग सदा प्रॉपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसकी आवश्यकता हो, और ऑटो अनबॉक्सिंग भी हमारा क्या करता है, ऑटो अनबॉक्सिंग भी हमारा सदा प्रॉपर वैल्यू फेच करता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर वैल्यू फेच नहीं हो पा रहा है, बट अगर ऑटो अनबॉक्सिंग का यूज़ करते तो वो प्रॉपर वैल्यू हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर से फेच होता। और यहाँ पर मैनुअली मेथड कॉल करने पे जो हमारा मिस्टेक हो रहा है वो मिस्टेक होने की संभावना ऑटो अनबॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग में बहुत ही कम होती, बिल्कुल नगण्य होती। कोई भी ऐसा तरीका नहीं था, चूँकि ऑटोमेटिकली जावा का रन टाइम सिस्टम वो कॉल करता तो संभावना बिल्कुल जीरो थी। ठीक है, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जब आपको ये इंटीजर वैल्यू को बाइट के फॉर्म में ही चाहिए, तो उस केस में आप इस तरह से बाइट वैल्यू को कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हर बार हमारा ये मतलब कि नुकसानदायक ही है, कई बार आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। जो सिचुएशन अगर डिमांड करे तो आप इसको उस हिसाब से इस टाइप से लिख भी सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। मान लिया जाए कि इंटीजर की जगह पर वाइट वैल्यू की आवश्यकता होती तो वाइट भी अगर हम लोग यहाँ पर लिखते तो iob.white वैल्यू अगर हम लोग लिखते तो वो भी हमारा हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता था अगर यहाँ पर वाइट वैल्यू की आवश्यकता होती तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग हमें कोड लिखने से हमें बचाता है। कोड अगर प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग की जब बात की जाए तो हमें कोड मैनेज करने में सहायता तो करता ही है, साथ में हमें एरर से भी बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक है, जैसा कि इस प्रोग्राम में एरर आ रहा है। तो इसलिए अगर हम कोई नया कोड लिखते हैं तो हमें ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग का ही सहारा लें, कुछ स्पेशल सिचुएशंस को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पर अगर बाइट की आवश्यकता होती तो वैसे सिचुएशंस में आप मैनुअली इस टाइप से लिख सकते हो। बट प्रेफर ये किया जाता है कि अगर आपका कोड नया है, अगर आपका कोड लेगेसी नहीं है, लेगेसी कहने का मतलब है कि JDK 5 से पहले का जो अगर कोड है और उस हिसाब से ही आपको लिखना हो तो आप मैनुअली लिख सकते हो। बट अगर आपका कोड नया है, JDK 5 के बाद का आया हुआ है, तो उस केस में बेहतर होगा कि आप ऑटो बॉक्सिंग या अनबॉक्सिंग के प्रोसेस को ही फॉलो करो।
क्योंकि यही जावा कोड लिखने का मॉडर्न तरीका है। दोस्तों अगले वीडियोस में हम कुछ और चीज़ें के बारे में सीखेंगे, मेटा डेटा के बारे में भी सीख सकते हैं। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।